नाजिया, सुहा, ये क्या हुआ है? मोहसिन कहाँ? मैं इससे पूछती हूँ, इसका दिमाग अभी ठीक करती हूँ। ये सब कैसे हो गया? क्या हाल बनाया हुआ है? यार सीरियसली मत पूछो, इट वाज रियली बैड। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के परेशान हो गया था, मैंने बुलाया। इनको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे कह दोगी कि चला जाए यहां से? अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चला जाऊं। ये लो तुम्हारी अमानत। मैं यही वापस करने के लिए आई थी, घर गई तो पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। ये क्या है? मैंने तुमसे गाड़ी लेते हुए बोरो किया था ना, वही है। अरे तो पैसे वापस करने की इतनी जल्दी क्या थी? आज नहीं तो कल वापस तो करने ही थे ना। आज बोनस मिला तो सोचा वापस कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरी हेल्प की थी। चॉकलेट खाओगी? आउट। अच्छा बताओ हुआ क्या? डोंट आस्क। आ गई महारानी अस्पताल से? जी आ गई हैं, और मटन की यखनी बनाने का ऑर्डर दिया है मोहसिन ने, और नाजो को सख्ती से कहा है कि सोहा साहिबा से एक महीने तक घर का कोई काम नहीं करवाया जाएगा। सब काम ना करने के बहाने हैं। और नहीं तो क्या, जानबूझकर घिरी है ताकि कुछ दिन तक घर का काम ना करना पड़े। लेकिन अम्मी, आपकी तो मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। कौन सी मनसूबाबंदी? यही कि उसे इस घर में रहने नहीं देंगी, उसे इतना सताएंगी, इतना काम करवाएंगी कि वो खुद ही घबरा के ये घर छोड़ के भाग जाएगी। इतनी ढीठ और बेगैरत लड़की है, मुझे क्या पता था? इतने ताने इतनी बातें सुनने के बावजूद नहीं गई यहाँ से भी। मुझे लगता है इसके बाप ने इसे धक्के मार के घर से निकाला है, वरना कब की मोहसिन को लात मार के अपने घर जा चुकी होती। बावेला मचाने की क्या जरूरत थी? जरा सी चोटी लगी थी ना, तुम्हारी बहनें सारी जिंदगी काम करती हैं, बथेरी चोटें लगी होंगी, कभी उफ तक ना की। अम्मी जान बहुत सीरियस चोट लगी है, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है। तुमने डॉक्टर को बताया नहीं मोहसिन कि सारा दिन भी तो वो आराम ही करती है? मैं अम्मी जान से बात कर रहा हूँ, आप प्लीज बीच में मत बोले, मुझे उनसे बात करने दे। आप देख रही हैं अम्मी, बीवी की खातिर कैसे बड़ी बहन से बहस कर रहा है। हाँ भाई, ये तो होना ही था, जिस घर में हर बात पे मुझसे राय ली जाती थी, आज उसी घर में मेरे साथ गैरों जैसा सलूक हो रहा है। मेरा भाई मुझे बता रहा है कि मुझे उसके मामले में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा, आखिर तुम्हारे टुकड़ों पे जो पड़े हैं। आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? मैंने आपसे सिर्फ ये कहा मैं अम्मी जान से बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे बात करने दें, और आप खामोश। चुप रहो ना, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा बेटा है, मैंने की है उसकी तरबियत, मैं जानती हूँ उसका ये मतलब नहीं हो सकता। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये चाह रहा था अम्मी जान के सफाई के लिए घर में मुलाजमा का बंदोबस्त कर दूं, और आपसे दूसरी दरख्वास्त ये थी कि किचन का काम जो है वो सोहा नाजो और आपी में बराबर बांट दीजिए। काम बांटने वाली बात पे मैं गौर करूंगी, लेकिन आइंदा मुलाजमा का नाम तुम्हारी जबान पर मत आ। मुलाजमा रखने की रवायत ना पहले थी इस घर में और ना अब हो। यार जमाना बदल रहा है अब। बस ना, मैंने कह दिया, तुम जानते हो मैं अपने उसूलों पर समझौता नहीं करती। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरी दूसरी बात पे जरूर गौर कीजिएगा, आप खुद देख लें, घर में अफराद इतने ज्यादा और खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी सोहा पर।
शाबाश, अब तुम्हें घर के भी अफराद ज्यादा लगने लगे। मैं जब ब्याह के आई थी ना अपनी ससुराल, 18 लोगों की रोटियां बनाती थी। तुम्हारी बहनें सारी जिंदगी काम करती रही, तब तो तुम्हें ख्याल ना आया कि अब वो लड़की आ गई है, फौरन घर के अफराद ज्यादा हो गए। वाह अम्मी जान, आपका दौर और था। और देखे ना, बतूल और बच्चियों की वजह से भी अब। मोहसिन भाई, आपको मेरा और मेरी बच्चियों का यहाँ पे रहना खटकने लग गया अब। अम्मी मैंने आप सबसे कहा था ना, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, आखिर सचिन की जमान पे आ गया है, अब आराम है आप लोगों को। मेरा ये मतलब नहीं था। अरे बतूल ध्यान से, बस देख लिया ना अपने लाडले बेटे को कैसे बीवी के आते इसने आंखें फेर ली हमसे। छोड़ो ये सब, तुम कहीं नहीं जा रही हो, प्लीज छोड़ दें आप ये, और मेरे पीछे भी आने की किसी को जरूरत नहीं और ना ही मुझे रोकने की जरूरत है। क्या हो गया लोगों को? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, वहां जाकर बच्चियों को क्या भूखा मारोगी? अब भाई रोक रहा है तो लिहाज कर लो उसकी बात का, हर किसी ने ही आंखें माथे पे रख ली है। हाँ हाँ भूखा मारूंगी उनको भी और खुद भी भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इस दर पे बैठ के ना भाई के ताने नहीं सुनूंगी। बतूल मेरी बात तो सुनो तुम। छोड़ दो मोहसिन, जब गुस्से में होती है ना किसी की नहीं सुनती। अम्मी जान मेरा ये मतलब नहीं था, आप ही समझाए ना इसे। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है सबके खिलाफ जाके, और आपने इस तरह से मुझे और मेरी बच्चियों को ताने दिए। मैंने आज तक तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को बोझ नहीं समझा, अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा है मैंने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? अच्छा आपको यही वक्त मिले अपने सारे एहसानात गिनवाने का ना, सही है। इससे अच्छा है कि मैं अपने घर जाके भूखी मर जाऊं, मेरी बच्चियां भी मर जाए, लेकिन यहां नहीं रहूंगी अब मैं। अम्मी जान देख रही हैं आप, आपसे कहा था ना ये लड़की हमारे भाई को हमसे दूर कर देगी, बहुत एतमाद था ना आपको अपने लाडले बेटे पे, देख लें अपने अंधे एतमाद का नतीजा। शुक्र है अभी तो मैं अपने घर बैठी हूँ, मगर बतूल का तो अपना घर है, और ये लड़की इसे कभी भी यहाँ नहीं टिकने देगी, बहुत तेज लड़की है, सबसे पहले शादीशुदा नंद को भगाएगी, और हमारा भाई पूरा का पूरा साथ दे रहा उस लड़की का। अरे छोड़ो ना, क्या कर रही हो, ला मुझे दो बतूल, ये मुझे मेरे पीछे आने की जरूरत है, मेरी बच्चियों। देखा अम्मी, मौसी क्या हुआ बतूल? अम्मी गाड़ी मंगाओ। अम्मी अरे इसको हटाओ बीच में से। अच्छा बस कोई बात नहीं, मेरा तो ख्याल है मुझे रजा को बता देना चाहिए, बात करके देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला। पहले भी आप कई बार उन्हें कायल करने की नाकाम कोशिशें कर चुकी हैं। क्या करूं, मुझसे रजा का मायूस चेहरा नहीं देखा जाता, सारी रात करवटें बदलते हैं, छुप छुप कर सुहा की तस्वीरें देखते हैं। I know, ऑफिस में भी उनका यही हाल है, अजीब अपसेट खोए खोए से रहते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उनका, अगर तुम नहीं होते जहन तो हम क्या करते, रजा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। उनके तो दिल में बहुत अरमान था कि वो तुम्हें अपना दामाद बनाते, लेकिन वो प्लीज इस बारे में बात ना करें, इस बारे में बात करने का क्या फायदा? मेरा ख्याल है कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए। थैंक यू, बता दीजिए, लेकिन क्या अंकल का गुस्सा इससे खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपको अभी इंतजार करना चाहिए। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, सुहा अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चाचा सो गई है, अपना उठाना, पहले भी उठा दिया था उसे। हाँ तो वो कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है चलो। खालिद से बात हुई? जी वो कह रहा था कि बतूल को और बच्चियों को आके ले जाएगा। ले जाएगा? तुमने कहा है ले जाने के लिए? बच्ची का नाम क्या रखा है? बात मत बदलो, मुझे ये बताओ तुमने कहा है उसे? मुझे पहले ही पता था, तुम्हारी बीवी को तो पहले दिन से खटक रहा है उसका हमारे यहाँ रहना, उसका भी और बच्चियों का। अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं, सुहा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैं खुद चाहता हूँ खालिद बतूल और बच्चियों को वापस ले जाए, बच्चियां बहुत छोटी हैं अभी,
उन्हें अपने बाप के साथ होना चाहिए। इस वक्त उन्हें अपने बाप की मोहब्बत और शफकत की जरूरत है। अरे ऐसे बाप का क्या फायदा जो अपनी बच्चियों को दो वक्त का निवाला भी नहीं खिला सकता। और फिर तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ये फैसला मैं करूंगी कि मेरी बच्ची को कहाँ रहना है और उसकी बच्चियों को भी। अम्मी जान आप मुझ पर भरोसा करें प्लीज। देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना बतूल और बच्चियों की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। वो बच्चियाँ हमारे साथ रहते रहते एहसास कमतरी का शिकार हो रही है, जहाँ आरा का रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं है। और फिर जब तक खालिद की नौकरी नहीं लग जाती मैं खर्चा उठाऊंगा ना उनका, मैं संभाल लूंगा उन्हें, हर महीने कुछ रकम भेज दूंगा, साथ में खालिद की नौकरी के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप फिक्र ना करें, बस आप मुझ पर छोड़ दें प्लीज। चलें बतूल के पास छोड़ें। अब उठा लो। नहीं नहीं अभी तो सुलाया मैंने, पहले भी उसे उठा दिया था। तुम कुछ खाओगी? खा लो थोड़ा सा। नहीं थोड़ी देर में। आज मैं बहुत खुश हूँ नाजिया। तुम्हें पता है आज पहली बार मोहसिन ने अपने घर वालों के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया है। डट गया था वो अपनी माँ और बहनों के सामने, खूब खरी खरी सुनाई सबको। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बतूल का बंदोबस्त कर उसको वापस भेज दिया, उसके शोहर से सुलह करवा दी उसकी। बस अब जहाँ आ रहा आप ही का भी कोई बंदोबस्त कर देगा बहुत जल्द। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी। आई कॉल यू बैक। तुम कब आए? आज जल्दी आ गए। बहुत सही वक्त पे आया हूँ। मैं नाजिया से बात कर रही थी इसलिए। तुम उससे जो बात कर रही थी मैं सब सुन चुका हूँ। मेरी माँ और बहनें तुम्हें बुरी लगती हैं तो मुझे पता था, लेकिन तुम उनसे इस हद तक नफरत करती हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं नफरत नहीं करती उनसे, मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम उनसे नफरत करती हो ना करती रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ और बहनें मेरे लिए बहुत अहम है और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। मोहसिन तुम एक दफा मेरी बात तो। मोहसिन क्या कर दिया? खालिद भाई का तो बीवी बच्चों का एहसास ही नहीं है। जरा सी घर में तंगी क्या होती है, मुंह उठाकर यहाँ पे आ जाती है। देख रही हो बड़ी बहन के जाने पे किस तरह खुशी से बातें खिल रही हैं। ज्यादा रोटियां जो बनानी पड़ती थी इसे। तो आखिर कब तक यहीं पे मुंह उठा के पड़ी रहती? और वैसे भी खालिद भाई को तो बीवी बच्चों का एहसास है ही नहीं, और ऐसी शादी होने से तो बेहतर बंदे की शादी ना हो। अरे बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, हर बात में बोलती हो पटर पटर। सोहा की सोबत में जो रहती है, हर वक्त उसके आगे पीछे जो फिरती रहती है। इतनी अच्छी तो है वो, आप लोग क्यों चढ़ते हैं उनसे? देख रही हैं आप इस चमची को? क्या हो अम्मी, आप क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ बतूल तो आज नाराज होकर चली गई, कल अगर तुम मोहसिन या उसकी बीवी की किसी बात पर नाराज होगी तो कहाँ जाओगी? कितनी बुरी किस्मत पाई है मेरी जहां आ रहा है, इसकी मंगनी टूट गई और अब तलाक। कैसे बसेगा अब इसका घर? सारी उम्र भाई के दर पे बैठी ताने सुनती रही। मोहसिन आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। I'm sorry. I mean it. तुमने बहुत मायूस किया मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था तो मेरी बहनों से इतनी नफरत करती। मैं नफरत नहीं करती उनसे। तुम उनका रवैया भी तो देखो मेरे साथ। नाजो के अलावा कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सोहा तुम जानती हो ना हमारी शादी के हालात में हुई थी। थोड़ा वक्त लगेगा ना घर वालों को एक्सेप्ट करने में। मैं अपनी बहनों के मामलों में बहुत सेंसिटिव हूँ। बतूल के हालात देखो। बतूल के हालात कभी ठीक होंगे भी नहीं। खालिद भाई अच्छे भले हट्टे कट्टे आदमी है, क्या वो नौकरी करके अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते?
क्या तुम उनकी कहीं नौकरी नहीं लगवा सकते? बतूल मेरी बहन है, इन हालात में उसे सपोर्ट करना मेरा फर्ज बनता है। और फर्ज सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं है ना, उनके शौहर का भी तो फर्ज है। वो जॉबलेस है। कब तक जॉबलेस रहेंगे? क्या सारी जिंदगी जॉबलेस रहेंगे मोहसिन? तुम सारी जिंदगी उनकी इसी तरह फाइनेंशियल हेल्प करते रहोगे? और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपनी बहन का फायदा कर रहे हो ऐसे? तुम उल्टा उनका नुकसान कर रहे हो। और अगर उनकी फिक्र नहीं है तो उनके बच्चों का सोचो। उनकी यूटिलिटी बिल्स से लेकर उनकी फीस तक सब कुछ तुम पे करते हो। इस तरह तो खालिद भाई को कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। और ये बतूल आप ही के लिए भी अच्छा नहीं है। वो उस घर में रहती तो हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत सिर्फ तब होगी जब वो अपने शौहर के साथ जाकर अपनी बच्चियों के साथ वहाँ रहेंगी, अपने घर। ये सारी अकलमंदी की बातें तुम्हें मेरी बहनों के लिए याद आएंगी? तुम प्लीज इस मामले में परेशान मत हो या बात मत करो इस मामले में। तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला क्यों नहीं है? मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मैं। हो इस घर का फर्द, मेरी बीवी हो इसलिए इस घर का फर्द भी हो। लेकिन ये भी याद रखो, घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और वो कभी करेंगे भी नहीं। तुमने कभी उनका दिल जीतने की कोशिश की है? अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे उनका दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या करूँ? रहने दो, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तुम सिर्फ एक काम करो, अपने काम से काम रखो। मेरी बहनों और मेरी माँ के मामलात में ना तुम टांग मत उड़ाया करो प्लीज। दे रही हूँ मतलब ठंडी तो हो जाए ना थोड़ी सी। अम्मी पापा कह रहे चाय बना दे। अपने बाप से कहो कि पत्ती चीनी सब कुछ खत्म हो गया, जाके बाजार से लेके आए तब चाय मिलेगी। दो ही काम है, या तो बस मैच देखना है या चाय पीनी है। मुंह ना जला लेना, अभी दो मिनट मुझे ठंडा करने दो इसको। जी कैन आई ऑर्डर अ स्टेक एंड चीज सैंडविच एंड अ चॉकलेट शेक? जी एड्रेस लिख लीजिए। कौन था दरवाजे पे और ये सब क्या है? खाना मंगवाया मैंने बाहर से। ये शरीफों का महल्ला है सोहा बीबी, यहाँ गैर मर्दों को दरवाजे पे बुला के उनसे बातचीत नहीं की जाती। क्या मतलब गैर मर्द? वो खाना डिलीवर करने आया था, मुझसे बातचीत करने नहीं आया था। और शरीफों की मोहल्ले में रहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी मेंटालिटी छोटी कर ले। ये क्या काली चाय? दूध क्यों नहीं डाला चाय में भाई? नए आए हो तुम? कहा था ना कि दूध चीनी खाने का सारा सामान सब खत्म है, घर में जाके बाजार से लेके आओ। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? फोन पे तो बड़े गैरतमंदी के दावे कर रहा था कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा घर में राशन वो डलवाएगा। हाँ एक बात बताऊं वैसे तुमसे ज्यादा बेशरम इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है कभी। देखोगी भी नहीं। अपने भाई को फोन करो, उससे कहो कि घर में राशन डलवाए ना।
हम मोहसिन भाई की जिम्मेदारी नहीं है, मैं और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है जब से तुम्हारी नई वाली भाभी आई है ना, तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया ना उसने तुम्हें घर से। हैं? लानत है मेरी शक्ल पे जो मैंने तुम जैसे आदमी से मोहब्बत की है। अम्मी की राय बिल्कुल ठीक थी तुम्हारे बारे में, इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान हो तुम। अपनी बकवास बंद करो, बहुत लंबी जुबान हो गई तुम्हारी, लेकिन मेरे सामने चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे तलाक दे दूंगा तुझे और इस घर से भी। इस घर से निकालने की तो धमकी देना ही ना तुम मुझे, समझ में आई है? ये घर मेरे भाई की कमाई से चलता, तुम्हारी कमाई से नहीं चलता। शर्म नहीं आती जरा सी? मेरे भाई का पैसा खाते और उन्हीं के बारे में बकवास कर रहे हो। जाओ निकलो, कमा के लाओ और हमें पालो। मैं अपने भाई से तो एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। तुम्हारी बीवी ने बहुत बदतमीजी की है जहांआरा के साथ, दिल दुखाया है उसका। सदमे की वजह से वो पहले ही टूटी हुई है। क्या कहा है उसने? बहुत कुछ कहा है। बतूल पहले ही नाराज होकर घर चली गई है, अब ये जहांआरा के पीछे हाथ धोकर पड़ती है। अब फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समझाने से काम नहीं चलेगा, सख्ती करनी पड़ेगी, रोब डालना पड़ेगा, लगामें खींच कर रखो उसकी। जी। तुम्हें आप ही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हारी बहनों को बिला वजह का इशू बनाने की आदत है। आहिस्ता बोलो ना सुहा, कोई सुन लेगा। यहाँ कौन सुन लेगा, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। क्या हो गया तुम्हें, पहले तो ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी तुम। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहती थी, नॉर्मल हालात में। तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं और मेरी बहनें अब नॉर्मल है? तुम नहीं, तुम्हारी बहनें। सुहा मैं अपनी बहनों से अलग नहीं हूँ। When will you understand that? अच्छा listen, come back. I'm sorry. मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, I'm really sorry. कभी कभी बहुत unreasonable हो जाते। मैं क्या करूँ यार, ऑफिस में अलग टेंशन होती है मुझे, घर आता हूँ तो यहाँ पे अलग टेंशन। मैं ये सब देखूंगा तो करियर पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ? I'm sorry. अच्छा प्लीज मूड ठीक कर लो। अच्छा मैं तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। कैसे? मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती हूँ। नहीं नहीं यार अभी नहीं। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं करना ना, मैं ड्राइव करूंगी, तुम आराम से सीट पीछे करके बैठना, यू कैन रिलैक्स। मैं इतनी बातें सुन के आ रहा हूँ अभी, अम्मी की नहीं जाने देंगी और मसला खड़ा कर देंगी। तुम जाकर एक दफा पूछो तो ना, प्लीज मना नहीं करो, मैं भी साथ चलती हूँ, साथ परमिशन लेते हैं उनसे। क्या कहोगी तुम? डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ये झूठ नहीं है? अब वैसे तो तुम्हें झूठ से बड़ी नफरत है, अब अपना मतलब आया तो। ये झूठ तो नहीं है ना, हम बाहर तो जा रहे हैं, इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे। यार हमारे लिए हमारा टाइम है ना, ये इसको खराब नहीं करते, थोड़ा सा नॉर्मल टाइम प्लीज। चेंज कर लो मैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो फॉलो अप चेकअप करवाना है सोहा। क्या? एक्सरे करवाया था, उसकी रिपोर्ट्स लेनी। हाँ तो जाके ले आओ, इसे ले जाने की क्या जरूरत है? नहीं वो कुछ अंदरूनी चोटें आई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि एक हफ्ते बाद दिखा देना। ठीक है भाई जाओ, जल्दी आ जाना। जी। वो कितना अच्छा लग रहा है ना आज, इतने दिनों बाद घर से निकले और मैं आज इतने दिनों बाद ड्राइव कर रही हूँ। ऐसा करते हैं किसी बहुत अच्छी जगह खाना खाते हैं और फिर लंबी ड्राइव पर चलते हैं। और हाँ आज हम लेट घर जाएंगे,
नहीं सुहा, इतनी मुश्किल से बहाना बना के निकले हैं और फिर नाजो ने मेरी फरमाइश पे बिरयानी बनाई है। खाना घर खाएंगे वरना अम्मी जान नाराज हो जाएंगी। मोहसिन तुम्हें सबकी नाराजगी की फिक्र है सिवाय मेरे। ऐसा नहीं है सुहा। ऐसा ही है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा गैर अहम शख्सियत मैं हूँ। सबकी परवाह है लेकिन इसकी परवाह नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव ही सोचता हूँ, जैसे मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और ये भी जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। जाहिर है मेरे घर में क्यों खुश होगी तुम, जब तुम्हें मेरी बीवी होने के नाते जो इज्जत और मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला तो इट्स ऑब्वियस। लेकिन यार एक ना एक दिन अम्मी जान तुम्हें कबूल कर लेंगी, थोड़ा सा टाइम दो बस, प्लीज थोड़ा सब्र करो ना। कितना सब्र मोहसिन, कितना सब्र करूं मैं? मैं अपने शोहर के साथ अपनी मर्जी से कहीं बाहर नहीं जा सकती, अपनी किसी दोस्त को घर पर नहीं बुला सकती, अपनी मर्जी से कुछ पकाकर खा नहीं सकती। इतनी पाबंदियों में रहने की आदत नहीं है मुझे, जितना सब्र करना था मैंने कर लिया। अब प्लीज इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अच्छा ठीक है, प्लीज अभी तो अपना मूड ठीक करो। अरे भाई तलाकी याफ्ता है तो क्या हुआ, अच्छा खासा तो कारोबार है और जाती घर है अपना, बच्चे भी पहली बीवी के पास हैं और माँ बाप भी गुजर चुके हैं। सोच लो ऐसे अच्छे रिश्ते दोबारा नहीं आते। अच्छा मैं मोहसिन से बात करके देखती हूँ। अरे भाई मोहसिन की बातों में आ गई तो हो गई तुम्हारी बेटी की शादी, पहले भी मैंने अच्छे खासे रिश्ते बताए थे, उसकी बातों में आके तुमने अच्छे भले रिश्ते को ठुकरा दिया। क्या करूं, मोहसिन नहीं मानता कि उसकी बहन की शादी किसी पहले से शादीशुदा मर्द से हो। तो तुम खुद समझाओ ना उसको, अब तो वो खुद भी तलाकी याफ्ता है, नाजो की भी तो बात चलानी है नहीं चलानी। मेरी नज़र में 3-4 अच्छे रिश्ते हैं। नहीं नहीं अभी नाजो को छोड़ो, अभी तो मुझे जहां आरा की फिक्र खाई जा रही है, जब से तलाक हुई है मुरझा के रह गई है। तुम्हें तो पता है जाहिद ने कितनी ज्यादती की उसके साथ, पहले बचपन की मंगनी तोड़ के एक अमीर औरत से शादी कर ली और फिर। हाँ भाई अब भी माँ बेटे दोनों किसी अमीर आसामी के चक्कर में हैं, और सफिया ने भी मुझे कल फ़ोन किया था, बता रही थी कि किसी अमीर तलाकी याफ्ता औरत से जाहिद का रिश्ता चला रहे हैं वो लोग। जाहिद जैसा घटिया शख्स आप ही के लायक नहीं था, मुझे पूरा यकीन है उनकी किस्मत में उसे अच्छा आदमी लिखा हुआ। आप देखिएगा अम्मी, आप ही को उनके सबर का फल जरूर मिलेगा। यूं बैठकर बातें करने से अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते, उसके लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अम्मी जान मैं आप ही के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बहुत धूमधाम से शादी करूंगा उनकी, अच्छे से अच्छा जहेज दूंगा। देखो कहा तो है मैंने उससे, कोई ऐसा रिश्ता लाए कि सब देखते ही रह जाए। मैं अपनी बेटी की रुखसती बहुत धूमधाम से करूंगी, दिल के सारे अरमान निकालूंगी। अरे भाई खानदानी और शरीफ लोग हैं, लड़के का अपना जाती प्लाजा और दुकानें हैं। लड़का तो ना कहो, अच्छा खासा बुड्ढा है, 50-55 साल तो उम्र होगी इसकी। अरे आदमियों की उम्र कौन देखता है आजकल, और खैर से अपनी जहारा को देखो 42 को हो गई है। पूरे 5 बच्चे हैं इसके, 1-2 होते तो मान भी लेती शायद। 5 हुआ तो क्या हुआ, माशाल्लाह सब बड़े हो गए हैं और अपनी जहारा को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी।
क्या कहते हैं, जब माँ का प्यार देती उनको, वो भी इसकी इज्जत करेंगे। होगी तो सतेली माना। अरे खुर्शीद, अकल की ना खुल्लो। अरे कब तक तो मैंने भाई के दर के ऊपर पड़ी रहेगी? पहले की बात कुछ और थी, अब खैर से बहू आ गई है, और आजकल की लड़कियां नद्दों को कहां बर्दाश्त करती हैं। अकलमंदी इसी के अंदर है कि इस रिश्ते के लिए चुपचाप हाँ कर दो। अगर मगर क्या, मेरा काम था समझाना, अब तुम्हारी मर्जी है, जो भी हो मुझे एक दो दिन में सोच के जवाब देना। अम्मीजान, आप उन्हें हाँ कर दीजिए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। पागल तो नहीं होगी जहारा? मेरा दम घुटता है इस घर में, जब भी उस लड़की को अपनी आंखों के सामने इस घर में देखती हूँ तो दिल चाहता है कि उसका गला दबा दूँ। एक ही घर में एक ही छत तले उस लड़की के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरी जिंदगी तबाह की हो। आप मुझे किसी भी जहन्नुम में डालते, वो जहन्नुम इस घर से तो बहुत अच्छा होगा ना। आप इस रिश्ते से साफ इनकार कर दें। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? मैं भाई हूं आपका, आपको अंधे कुएं में नहीं धकेल सकता। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। जाओ जाके अपनी बीवी का ख्याल करो जिसकी वजह से मुझे तलाक हुई है। बस कर दो तुम दोनों, बस कर दो। जहारा जाओ कमरे में, बात करने दो हमें। अम्मी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको अपना फैसला सुनाने आई हूँ। मैं ये शादी हर हाल में करूंगी, मुझे बस इस घर से जाना है। तो कैसी फजूल बातें कर रही, ये घर मोहसिन का या उसकी बीवी का नहीं है, ये घर मेरा है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना इन दोनों का। आप ये अम्मी ठीक कह रही हैं। आप यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, तसल्ली से इस मामले पे बात करते हैं। देखिए आपके साथ जो कुछ हुआ उस पे हम सबको बहुत दुखी, खास तौर पे मुझे। मैं आपके बारे में कितना फिक्रमंद रहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। वो जाहिद जैसा घटिया और लालची शख्स आपके लायक नहीं था। अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, ये बात आप बहुत जल्द समझिए। तुमने रिजेक्ट कर दिया, व्हाई? वो शख्स आप ही के लायक नहीं था, उसकी एज बहुत ज्यादा थी। हमारी आप ही की एज भी बहुत ज्यादा हो गई, तुम्हें आइडिया है वो कितनी चिड़चिड़ी रहती हैं। अगर तुम लोग इसी तरह हर रिश्ते में नुक्स निकालते रहोगे वो तो सारी उम्र यहीं बैठी रह जाएंगी। बात अगर सिर्फ एज की होती तो शायद मैं एतराज ना करता, लेकिन उसकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं थी। सुना पहले ही बीवी पे तशद्दुद करता था, मेंटली सिक। मुझे अपने आप ही बहुत अजीज है सोहन, मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, पहले उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। वो मुझ पे बोझ नहीं है, आई टेक माई टाइम। बस बहन क्या बताऊं, मैं तो अल्लाह का शुक्र करते नहीं थक रही हैं, बैठे बैठाए मेरे बेटे का इतना अच्छा रिश्ता आ गया। हाँ खुशी की बात तो है ना, चलो बाकी बातें फिर होंगी हैं। चलो खुदा हाफिज। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई। कितनी फिक्र है आपको अपने बेटे की और अपनी बेटी की, कोई परवाह ही नहीं। एक इस तकलीफ से गुजर रही हूँ आपको अंदाजा ही नहीं है। फिर वो मैंने उस बातें शुरू कर दी तूने, तुझे शर्म नहीं आती? बाप भाई के सामने बैठी टस्से बहाती रहती है, कोई और बात तेरे दिमाग में नहीं चलती? और कौन सा ऐसा तेरा डिका टूटा है, रिश्ता ही तो खत्म हुआ है ना। रिश्ता ही तो खत्म हुआ है, मैं आपको और भाई को कभी माफ नहीं करूंगी।
आप लोग इतने खुद घर सो जाएंगे, अम्मी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा दिल टूटने की किसी को परवाह ही नहीं है। फिर वही मनहूस बातें करनी शुरू कर दी तूने, दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कहाँ चली? मैं पूछ रही हूँ कहाँ चली? कमरे में जा रही हूँ अपने। कमरे में जाके क्या बैठेगी? यानी कि माँ का हाथ बटाए, इतने काम पड़े हैं, चल यहाँ। कोई काम नहीं होता मुझसे, और अपने बेटे की तीसरी शादी की तैयारियाँ ना अकेले ही कीजिए। सिद्रा मैं बता रही हूँ तुझे, देख इस किस्म की मनहूस बातें ना कर, इसे मेरा कोई कसूर नहीं है अगर तेरी शादी नहीं तो। भाई की तीसरी शादी से चल रही है, ये तेरी नहुसत है मनहूस। किसके लिए? सोहा मैडम के लिए। अच्छा रुको, आ रही हूँ मैं। भाभी, भाभी वो पैसे मांगने के लिए आया वो। अच्छा मैं देखकर आती हूँ। वैसे ना आज घर में खाना अच्छा नहीं बना। हाँ तुम खा सकती हो मेरे साथ, खाओगी? हाँ खा लूंगी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं पैसे देकर आती हूँ। पिज्जा पसंद है तुम्हें? हाँ खा लेती हूँ। हाँ आज घर में क्या बना है? बहुत जगह बुरी दाल बनी और बहुत मजे का रोज मंगवा दी ना तो आप। हाँ देखा था मैंने, एक दफा आते जाते उसको। तुम आकर खा सकती हो मेरे साथ। कहाँ भाभी अच्छा थोड़ी लगता, नई नई बहू में आप। अरे आप भी तो खाए, आपने अपने लिए मंगवाया है, मैं ही खाई जा रही हूँ जब से। हाँ मैं ले लूँ। देख लें आप, आपकी लाडली बहू ना रोज रोज बाहर से खाने मंगवा के खा रही है, लगता है मौसी ने अपनी लाडली को सर पे चढ़ा लिया है। आज फिर मंगाया खाना? जी अभी मंगवाया थोड़ी देर पहले। आ लेने दो इस लड़के को, इसकी तो खबर लेती हूँ आज मैं। क्या बात है, जब से आए हो इतने खामोश हो। तुम आजकल खाना बाहर से मंगवाती हो? हाँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन मुझसे इस घर का खाना नहीं खाया जाता और मैं सारा दिन भूखी नहीं रह सकती। एंड प्लीज अब ये मत कहते ना कि तुम्हारी अम्मा को इससे भी प्रॉब्लम है। सिर्फ उन्हें नहीं मुझे भी ठीक नहीं लगा। तुम्हें क्या एतराज हो गया? मोहसिन तुम जानते हो मैं इस तरह का खाना नहीं खा सकती, मेरे हलक से नहीं उतरता, क्या करूं? ठीक है तुम्हें जो चाहिए होता है ना तुम मुझे बता दिया करो, मैं ला दूंगा। तो क्या मैं सारा दिन भूखी रहूंगी? समझने की कोशिश करो सुहा, घर में सारा सारा दिन कोई मर्द नहीं होता, ऐसे में रोज रोज डिलीवरी मैन का आना ठीक नहीं है। गॉड मोहसिन वो डिलीवरी वाला है, कोई मेरा दोस्त नहीं है जिसका तुम्हारी मौजूदगी में ही आना जरूरी हो। देखो हालात खराब है, अगर डिलीवरी के बहाने कोई चोर चक्का घुसा है तो। हाँ और यहाँ कारून के खजाने रखे हैं जो कोई उठाकर ले जाएगा। मेरे लिए पैसे नहीं तुम लोग इम्पोर्टेंट हो, इसमें ने कह दिया ना मुझे नहीं पसंद, और फिर तुम्हें जो चाहिए मुझसे मंगवा लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बहस किस बात की?
नजारा।